जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो महसूस हो रहा है कि मामूली गली से कितना गहरा रिश्ता बन गया है हमारा। परवाज में हम नया त्योहार बनाने जा रहे हैं और त्योहार में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? मिठाई। वो तो बहुत जरूरी होती है, लेकिन उसके साथ नए कपड़े भी जरूरी होते हैं। दिवाली पे हम सब नए कपड़े पहनेंगे। हाँ, और बाबा ने तो हमारे लिए नए कपड़े बनवा कर भी रखे हुए हैं। लेकिन वो कपड़े कासिम भाईजान और नाजिया भाभी ने अपनी अलमारी में रखे हैं। कहते हैं सिर्फ जन्मदिन और त्योहार पर ही मिलेंगे। ऐसे तो न जाने कितने जन्मदिन और त्योहार बीत गए, आज तक उन्होंने हमें एक भी नया कपड़ा नहीं दिया। लगता है जब तक हमारे कपड़े छोटे नहीं हो जाते वो हमें नए कपड़े नहीं देंगे। बहुत हो गया, आज हम लोग नाजिया भाभी से नए कपड़े लेकर ही रहेंगे। हाँ चलो। चला क्यों रहे हो? भाभी आपने मेहंदी बाल की जगह मुंह पे लगा ली, अब आपका मुंह गोरा नहीं लाल हो जाएगा। मुंह लाल हो तेरा, ये मेहंदी नहीं है मुल्तानी मिट्टी है। अरे वाह भाभी, मुल्तानी मिट्टी लगा कर तो आप और खूबसूरत लगने लगी। मुल्तानी मिट्टी मैंने अपने मुंह पर लगाई है, पर तुम लोग मुझे मक्खन क्यों लगा रहे हो? हाँ क्या चाहिए तुम लोगों को? नए कपड़े। हाँ। नए कपड़े? हाँ। किस खुशी में? दिवाली की खुशी में। हाँ। हम परवाज में दिवाली का त्योहार बना रहे। कैसी दिवाली, कैसा त्योहार? किसी को कोई नए कपड़े नहीं मिलेंगे, ये जो पहना है ना यही ठीक है। नाजिया भाभी ने खुद के लिए नए कपड़े निकाल के रखे। अच्छा जी, अब तुम लोग मुझसे बराबरी करोगे? भूलो मत, जिस यतीम खाने में तुम लोग रहते हो ना, उस यतीम खाने की मालकिन हूँ मैं। खाने को रोटी मिल रही है ना, वही बहुत है। नए कपड़े लेने के सपने देखना बंद करो, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तब हो जाओ यहाँ से, जाओ। वो पल आ ही गया जिस पल का हमें इंतजार था। अब हमें यहां से जाना ही होगा, लेकिन अगर अली हमसे पूछेंगे कि हम अचानक से कहां जा रहे हैं तो हम उनके क्या जवाब देंगे, क्योंकि हम उन्हें बिन बताए भी नहीं जा सकते। आखिर जब से हम अली से मिले उन्होंने एक साई की तरह मदद की है हमारी, इन्हें क्या क्या नहीं किया हमारे लिए। ऊंचाई से निकलने के बाद हमारा कोई नहीं था जो हमारी मदद कर सके। अली ने एक साए की तरह हमारी मदद की है। ये नाकाबंदी पार करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रोने पर हमारे अब्बू की तरह समझाया है कि मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी हों, अगर हम उनका डटकर लड़कर सामना करें तो हम भी इस फूल की तरह खिल सकते हैं। एक दोस्त की तरह हंसाया। पर्दे में रहने वाली मरियम को इंसान की जिंदगी में जब मुश्किलें आए और चारों तरफ बचने का कोई रास्ता ना हो तो सिर्फ एक ही चीज इंसान के काम आती, चालाकी। दुनिया का सामना करने वाली मर्जीना बनाया अली ने। हमें लगता है अब्बू के बाद एक अली ही है जो हमारी ताकत बन सके। वो क्या कहते हैं, वो ना दोस्ती ना यारी, अली को प्यारी है और सिर्फ उनकी दिनारी। हमेशा हमसे दिनारी की बात करते रहते हैं, लेकिन आज तक हमसे दिनारी ली नहीं उन्होंने।
हमसे सिर्फ एक चीज मांगी थी। अगर तुम मेरे बच्चों को पढ़ाओगी तो मैं तुम्हारी पूरी आधी आधी दिनारी माफ। लेकिन अब हम वो भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन अली को ये ना उम्मीद करके जाना हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या हमें अली को ये बताना चाहिए कि हमारा जाना जरूरी है? भाभी प्यार से कभी कोई बात समझती नहीं है। अब बहुत हो गया प्यार, अब होगी बगावत। परवास में पहली बार दिवाली बनने जा रही है, हमने नए कपड़े नहीं पहने तो क्या पहना? हम नए कपड़े पहन के ही रहेंगे। लेकिन कैसे? अलमारी से चोरी करके। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हम अलमारी तक पहुंचेंगे कैसे? चुपके से। अब हम सबको एक सिपाही की तरह उनके कमरे में घुसपैठ करनी होगी। नाजिया, आज कहवा नहीं मिलेगा क्या? जी, अभी आई अजीज। अरे कहाँ है कहवा? जी लाई अजीज। इससे पहले कि अजीज आवाज देते देते यहां तक आ जाए, जल्दी से कावा ले जाती हूं उनके लिए। दिनारी भी है, वो भी ले लेता हूँ। नहीं, दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है, इसलिए हम दिनारी नहीं कपड़े ही लेंगे। ठीक है। ये अली और बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बच्चे नाजिया बाबे की अलमारी से क्या निकाल रहा है? ये बच्चे चुप किस रहे हैं? पर अजीज ने दिखा था, वो देर से आने वाले, वो जल्दी कैसे आ गए? अजीज, अजीज अब जल्दी वापस आ गए? जल्दी कर, नाजिया पापी आ रही हैं। आपने तो कहा था आपको आने में वक्त लगेगा। अजीज, अलीफ पापा, नाजिया पापी को हम पे शक हो गया, जल्दी कसम भाईजान की आवाज निकालो, वरना वो हमें पकड़ लेंगी। अगर अभी आवाज निकाली तो जरूर पकड़े जाएंगे, वो हमारे बहुत करीब है। अजीज कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं बच्चों ने मेरे साथ कोई शरारत तो नहीं की? भाभी तो बच्चों की तरफ ही बढ़ रहे हैं, बच्चे पकड़े जाएंगे। कई फ्रेंड्स पानी में, तो पकड़े जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। ये कैसी आवाज थी? किस कंबख्त ने तोड़ दिया मेरी खिड़की का कांच? पता है कितना महंगा आता है शाही नकली कांच? बताओगे?
वाली फिल्म। एक बार मेरे हाथ लग जाए जिसने भी पत्थर फेंका था, छोड़ूंगी नहीं। सुनिए, आप लोग नाजिया भाभी के कमरे में क्या कर रहे थे? घुसपैठ। घुसपैठ? हाँ अब्बा, नाजिया भाभी हमें दिवाली के लिए नए कपड़े नहीं दे रही थी, इसलिए हमने उनकी अलमारी से नए कपड़े चोरी कर लिए। हाँ, और आखिरी वक्त पर आकर आपने हमारी मदद कर दी, पर नाम पकड़े जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आप लोग चोरी कर रहे हैं। कैसी चोरी? ये हमारी तो कपड़े पापा ने हमारे लिए बनवा के रखे थे, नाजा भाभी हमें पहनने नहीं देती थी। पहनने नहीं देती? लेकिन ये बात आपको अपने बाबा को बतानी चाहिए थी। बच्चों, किसी की अलमारी से कुछ भी बिन बताए लेना चोरी होती है, और आप लोग जानते हैं ना, चोरी करना बुरी बात है। अगर आपके बाबा को पता चलेगा वो कितना नाराज हो गया, हम जानते हैं ना। पापा, ये बात पापा को मत बताइए ना। ठीक है, हम बाबा को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन आप लोग हमसे वादा कीजिए कि आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। हम वादा करते हैं पापा कि हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। शाबाश। चलिए अब जल्दी से बताइए कि आपके बाबा कहाँ हैं, हमें उनसे कोई जरूरी बात करनी है। वो बाहर गए हैं पापा। ठीक है, तो हम भी बाहर जाते हैं। आप लोग दिवाली के लिए जल्दी से तैयार हो जाइए। कितनी अच्छी है पापा, हमें नाजिया भाभी से भी बचा दिया और कितनी अच्छी सीख भी दी। हाँ, अभी तो सीख दे रही है ना, बाद में सीख कबाब बना के खाएगी वो हमारा। भूल गए क्या? नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अभी मीठी मीठी बातें कर रही है, बाद में नमक मिर्च लगा के खाएगी वो हमें। वो बाबू को सब बताएंगे। हाँ, फिर बाबा हम सबको घर से बाहर निकाल देंगे। नहीं निकालेंगे, उससे पहले मैं उसको इस घर से निकाल दूंगा। चाचा, एक बात बताइए, अगर एक भूतनी को घर से निकालना हुआ क्या करना चाहिए? हमारा तो भूतनी के साथ रोज का उठना बैठना है, और बड़ी बड़ी भूतनियों को मैंने भगा दिया है। लेकिन मुद्दा ये है कि तुम्हारी वाली भूतनी है कैसी? ऐसी है क्या? नहीं नहीं, वो पतीला नहीं मारती, वो प्यारी प्यारी बातें मारती है, सबसे इतनी प्यार से बात करती है, कोई भी उसे देख लेना ऐसा लगेगा कि वो भूतनी नहीं है। लेकिन जब वो अपने असली रूप में आती है तो उसे भूतनी में डर जाए। यानी तुम्हारी वाली दूसरी तरह की भूतनी है, पर इसका भी इलाज है मेरे पास। लेकिन पर उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कैसी शर्त? कि आज के बाद तुम मेरी बकरियों का दूध चुराना बंद कर दोगे। बस इतनी सी बात? मुझे आपकी शर्त मंजूर है, बोल दीजिए अपनी बकरी को, जा जी ले अपनी जिंदगी। मैं ये लो टोटका, जिसे देखकर बड़ी से बड़ी भूतनी चप्पल छोड़कर भाग जाएगी। बस ये टोटका उसके सामने रखकर तुम्हें बोलना होगा, चिंग चिंग बोला आग का गोला, तू चुड़ैल मैं हूँ शोला, सुन चुड़ैल की शहजादी, अब होगी तेरी बर्बादी, तेरे इरादे कर दूंगा नाकाम, कोया है मेरा नाम। डरना नहीं है, पूरे जोश और गुस्से के साथ बोलना, फिर देखना तुम्हारी वो भूतनी कैसे नहीं भागती है। शुक्रिया जबरू चाचा, अब कैसे बचेगी भूतनी, मैं तुझे घर से निकाल के पेड़ में लटका दूंगा। हमने हमारे रहबर दारा गासी को पैगाम भिजवा दिया है कि वो अपने वफादारों को परवाज भेज दें हमें और शहजादी को यहाँ से निकालने के लिए। इसके पहले कि वो लोग यहाँ आते हैं, मैं शहजादी को लेकर आ जाता हूँ। ना जाने अली कहाँ है? मर्जीना, अली कहाँ है? ये फिर से अली को ढूंढते हुए आ गई। वो तो हम खुद नहीं जानते, मगर आप अली को क्यों ढूंढ रही हैं? मैं अली को क्यों ढूंढ रही हूँ, उससे तुम्हें क्या मतलब?
ये हमारा आपसी मामला है। बेशक ये आप दोनों का आपसी मामला है, हम तो बस यूं ही पूछ रहे थे। क्यों? भली के साथ रहते रहते कहीं उससे मोहब्बत तो नहीं हो गई? आप एक ऐसी बेहुदा बातें कर रहे हैं। अली सिर्फ हमारे एक अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं, समझी आप? मैं तो समझ गई, लेकिन अब तुम भी समझ जाओ कि अली सिर्फ तुम्हारा एक अच्छा दोस्त ही हो सकता है और कुछ भी नहीं, क्योंकि अली मुझसे मोहब्बत करता है। आप में कुछ ऐसी बात जरूर होगी जो अली आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि अली एक नेक दिल इंसान है और उनकी मोहब्बत पाने का हक सिर्फ उसे है जो उनके लायक है। ये अचानक से मैं हो क्या गया? अली का नाम सुनते ही मैंने फातिमा से इतनी बेरुखी से बात क्यों की? शायद अली से बिछड़ने की बात से हम कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए, लेकिन हमें किसी से भी ऐसे लहजे में बात नहीं करनी चाहिए। आखिर वो अली की मोहब्बत है। मेरी मोहब्बत आज भी फातिमा है। शहजादी, हमने तारा गाजी को पैगाम पहुंचा दिया है, हमारे वफादार आ रहे हैं हमें यहाँ से निकाल कर ले जाने के लिए। चलिए निकलते हैं यहाँ से। चलिए। क्या हम कुछ पल और नहीं रुक सकते? लेकिन शहजादी, आपको तो पता है यहाँ हर वक्त खतरा है, चलिए यहाँ से। जिस इंसान ने इस पूरे सफर में हमारी मदद की, हम उनसे मिले बिना नहीं जा सकते। हमने अभी तक उनके बच्चों को और उन्हें ठीक से शुक्रिया अदा भी नहीं किया है। लेकिन शहजादी, हम एक बार उनसे मिल लें, उनका ठीक से शुक्रिया अदा कर लें, फिर उसके बाद हम आपके साथ प्रवास छोड़ के निकल जाएंगे। ठीक है शहजादी, जैसा आप बेहतर समझें। तब तक मैं अपने आदमियों को कहता हूँ कि वो परवास के बाहरी दरवाजे पे हमारा इंतजार करें। फिर दिवाली के त्योहार में जब सब मशरूफ होंगे, हम आपको यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। ठीक है जी, ध्यान रखिए। हम जानते हैं कि हमें परवास छोड़कर जाना है, तारा गाजी से मिलना है, सद्दाम से बदला लेना है, लेकिन हमारा यहाँ से जाने का मन क्यों नहीं कर रहा? हमने अली को कहां कहां नहीं ढूंढा, लेकिन अली तो यही है। कितने खुश हैं अली, कैसे बताएं उन्हें कि काबुल को सद्दाम की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए जाना ही होगा। क्या बात है, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कोई खजाना हाथ लग गया क्या? ऐसा ही समझो। तुम जो हाथ लग गए मेरे। मैं हमेशा से चाहता था मेरी जिंदगी में कोई ऐसा आए जो मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दे, मेरे सारे ख्वाब पूरे कर दे। अब भला मुझे तुमसे अच्छा इंसान कौन मिलेगा जो मेरे बच्चों को इतनी अच्छी तालीम दे। यही बात थी। और हाँ, खजाना तो तुम हो। और अगर किसी दिन ये खजाना चोरी हो गया तो? क्या मतलब? हमारा मतलब है कि किसी दिन हमें हमारे लोग मिल गए और हमें जाना पड़ गया तो क्या होगा? ली नुकसान होगा मेरा, मेरे बच्चों का। और देखो, तुमने मुझसे वादा किया कि तुम मेरे बच्चों को अच्छी तालीम दोगी, तुम्हें कहीं जाने तो नहीं दूंगा मैं। जाना तो हमें होगा अली, अपने अब्बू से किया हुआ वादा पूरा करना है हमें, काबुल को सद्दाम से आजाद कराना है।